हेलो फ्रेंड्स, माथुर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने एसी मोटर का वर्गीकरण पढ़ा था कि भाई एसी मोटर कितने प्रकार की होती है। उसमें से पहला अपन ने पढ़ा था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आज अपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अपन पढ़ेंगे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जैसे ही नाम से ही अपन को पता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज यानी कि थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। थ्री फेज यानी क्या हो गया कि थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। इंडक्शन क्या हो गया, इंडक्शन क्या हो गया, जब थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करता है तो उसके कारण क्या होता है, इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, करंट या करंट का इंड्यूज होना या ईएमएफ का इंड्यूज होना इंडक्शन कहलाता है। तो इंड्यूज होता है करंट और ईएमएफ इंड्यूज होता है, वो इंडक्शन कहलाता है। ईएमएफ इंड्यूज रोटर के अंदर इंड्यूज होता है। अब ये ईएमएफ किसके अंदर होता है, रोटर के अंदर इंड्यूज होता है। क्या होता है, ईएमएफ। और तो ये हो गया थ्री फेज इंडक्शन। थ्री फेज यानी कि थ्री फेज एसी प्रोवाइड करता है। क्या है, थ्री फेज यानी कि थ्री फेज एसी प्रोवाइड करता है। इंडक्शन, इंडक्शन यानी कि थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करता कराते हैं तो उसके कारण इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, या तो करंट प्रोवाइड इंड्यूज होना या ईएमएफ का इंड्यूज होना। अब जो ये ईएमएफ इंड्यूज होता है वो किसके अंदर होता है, रोटर के अंदर इंड्यूज होता है। तो थ्री फेज इंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि थ्री फेज ऐसे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर इंडक्शन होता है। जो इंडक्शन में क्या होता है, करंट का इंड्यूज होता है या ईएमएफ इंड्यूज होता है। अब करंट या ईएमएफ इंड्यूज कहाँ होता है, रोटर के अंदर इंड्यूज होता है। थ्री फेज सप्लाई रोटर को देंगे तो इंडक्शन के कारण मोटर ऑपरेट होगी। इस कारण इस मोटर का नाम थ्री फेज इंडक्शन मोटर अपन ने रखा है। ये बात समझ में आ गई कि भाई इसका नाम थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपने क्यों रखा है। तो थ्री फेज यानी कि क्या, एसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। इंडक्शन यानी कि थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करने के कारण इंडक्शन होता है। ये इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, करंट का इंड्यूज होना या ईएमएफ का इंड्यूज होना। ये अब करंट या ईएमएफ इंड्यूज कहाँ होता है, ये रोटर के अंदर होता है। तो थ्री फेज एसी सप्लाई स्टेटर को देते हैं तो इंडक्शन के कारण मोटर ऑपरेट होती है। इस कारण इस मोटर का नाम थ्री फेज इंडक्शन मोटर रखा है। अतः इसमें क्या होता है कि अतः एसी मोटर के रोटर में स्टेटर के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा होता है। क्या होता है, एसी मोटर होती है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया होती है रोटर और स्टेटर में, तो उसके कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा होता है। इसलिए इस एसी मोटर को इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। अब विद्युत मोटर एक ऐसी मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये पहले भी अपन ने देखा था कि भाई मोटर किसे कहते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे अपन क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो क्या हो गया, विद्युत मोटर एक ऐसी मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऐसी विद्युत मोटर है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी पर चलती है। क्या हो गया, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जो ऐसी मोटर है जो हमेशा एसी पर ही चलती, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट या हिंदी में अपन कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रकार की मोटर में किसी भी स्टार्टिंग डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। ये मतलब इस मोटर में क्या होता है कि किसी भी स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। भाई इसको स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, यह डिवाइस में ये सेल्फ स्टार्ट होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है जो क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। आपके एक क्वेश्चन में आता है ज़रूर कि भाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं, तो अपन को उत्तर यह देना है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जो हमेशा सेल्फ स्टार्ट होती है, इसमें स्टार्टिंग डिवाइस इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब आता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, कि इसका काम कैसे होता है, क्या होता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है इसमें दो भाग होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक
रोटर होता है, स्टेटर हमेशा स्टेशनरी पार्ट होता है यानी कि स्थिर भाग होता है। ये स्टेटर हमेशा क्या होता है, स्थिर भाग होता है, जो बाहर का भाग पोर्शन होता है वो हमेशा स्थिर भाग होता है। स्टेटर पे अपन वाइंडिंग करते हैं, वो पिछली वीडियो में भी अपन ने पढ़ा था वाइंडिंग के बारे में। और दूसरा होता है रोटर, जो रोटेटिंग पार्ट होता है, मतलब घूमता हुआ पार्ट होता है। स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित होती है। स्टेटर में क्या है, जब थ्री फेज मोटर पढ़ रहे हैं अपन तो थ्री फेज वाइंडिंग होगी उसमें। थ्री फेज में कलर कोडिंग क्या होता है, आर वाई बी, थ्री फेज वाइंडिंग होती है। तो थ्री फेज वाइंडिंग इन तीनों में का वाइंडिंग में आपस में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 120 डिग्री के अंतर पर होता है। तो स्टेटर में हमेशा वाइंडिंग स्थापित होती है, कौन सी होती है, थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित होती है, और जिसका डिफरेंस 120 डिग्री होता है। और रोटर में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित होते हैं। रोटर में क्या होते हैं, चालक स्थापित करते हैं। जब स्टेटर को अपन थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो वह घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। जैसे ये डायग्राम में अपन ने देखा है, ये स्टेटर है और ये अंदर वाला रोटर है। जब स्टेटर को अपन सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है कि स्टेटर में घूमने वाला मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। वो इतना तेज घूमता है कि चुंबकीय क्षेत्र की पर अपन को लगता है कि घूम रहा है, पर वास्तव में घूमता नहीं है, अपन को ऐसा प्रतीत होता है कि इतना तेज ये है घूम रहा है। तो इसमें जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है रोटर के चालकों द्वारा छेदित करता है। अब इतना फास्ट घूमता है कि रोटर में जो चालक होते हैं इनको ये क्या है, काटता रहता है और घूमता रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जैसे रोटर का चालक क्या हो गया, ए हो गया, पोल क्या हो गया, एन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि स्टेटर में जो घूमता है ये क्लॉकवाइज घूमता है, और रोटर जो घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो उसमें घूमने पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र इधर चलता है और रोटर इधर घूमता है। तो ये तो एंटी क्लॉक हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया। तो घूमते यहाँ पे क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ज़्यादा घूमने से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ स्थापित हो जाता है और ये एक साइड में स्थापित होकर गति करने लग जाते हैं। तो इस गति को अपन क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति। अब सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ns बराबर 120 f अपॉन p, ns बराबर 120 अपॉन p, ns बराबर 120 अपॉन पी। ये क्या हो गया, क्वेश्चन में आता है सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो सिंक्रोनस ज्ञात करने का सूत्र होता है 120 एफ अपॉन पी। इसमें एन एस क्या होता है, स्टेटर की सिंक्रोनस गति यानी कि स्पीड किसमें नापते हैं, हमेशा आर पी एम रिवॉल्यूशन पर मिनट। एफ क्या होती है, हमेशा आवृत्ति होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। हमेशा किसमें होती है, हर्ज में। किसमें होती है फ्रीक्वेंसी, हमेशा हर्ज में। और पी क्या होता है, स्टेटर पर पोल्स की संख्या, ये क्या हो गया, पी हो गया। तो ये सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि सिंक्रोनस गति ज्ञात कीजिए जिसमें पोल्स की संख्या इतनी है और एफ इतना है, तो एन एस निकालिए, तो अपन ये निकाल सकते हैं। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी अपन को पता ही है कि ज़्यादातर 50 हर्ज होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे सिंक्रोनस गति ज्ञात करने के क्वेश्चंस।